उस इंसान नूं मंच दे उत्ते असीं बुलाउणा जिन्हें माण दिता चीफ गैसट बन के साडे इस प्रोग्राम नूं। लेकिन उस तो पहला मैं मंच दे उत्ते तुसीं देखिया कि मेरे नाल मेरे को होस्ट इंदर सत्ती उह मंच ते उन्होंने परफॉर्म किया। मैं थोड़ी जिन्नी सत्ती जी नूं इंट्रोडक्शन करके तुहानूं मैं थोड़ा जिन्ना दसना चाहुंदा, फिर मैं तुहाडी तारियां नाल दुबारा उन्हां नूं मंच ते लैके आवांगा। बहुत ही उम्दा वो होस्ट जिहदा पूरी दुनिया दे विच नाम आ, बहुत ही वधिया शायराना अंदाज दे विच उसने अपने करियर की शुरुआत की सी। एजुकेशनल पक्षों LLB LLM ना जाने किन्ने किन्ने तगमे हासिल किए, नैशनल लैवल से पोएट्री कैडी विन की, और मैं बड़ा माण महसूस करांगा कि दोबारा जो मंच ते आउण ते तुहाडियां जोरदार तालियां दे नाल सतिंदर सत्ती इस मंच ते आएगी। जोरदार तालियां सतिंदर सत्ती दे लई, क्योंकि कुछ कलाकार इदां दे हुंदे ने जिन्हां नूं मंच ते बुलाउण वास्ते, वह मंच ते होस्ट तां हैगे ही ने पर मंच ते उहनां नूं बुलाउण वास्ते कुछ स्पैशल, क्योंकि उहनां वास्ते गल्लां जरूर हुंदियां ने। जे सत्ती वर्गी एंकर ना हुंदी ते नवीआं एंकरस नूं उह रस्ते ना मिलदे एंकरिंग दे जिहड़े रस्तिआं ते चल के उह अपना नाम बना रहीआं ने। थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू बहुत नवाजिश जी। चेतन ते मैं करियर ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी च इकट्ठे शुरू कीता सीगा और सब अपने अपने रस्तिआं दे विच काम करदे रहे है। मैं अगे कहा, मैं कहा भी जिथे आप बहुत वधिया काम करदा रहा इहदे जिम्मे किंग मेकर भी रहा है, ममता जी उसका बड़ा वड्डा उदाहरण ने कि नहीं तो शायद किधरे लुके रह जाते, पर बड़ी वड्डी कॉन्ट्रीब्यूशन है चेतन की इन्हां दे फन नूं पूरी दुनिया। सो एक बार जोरदार ताड़ियाँ चेतन के नाम के उत्ते भी। लाइश्क ने ऐसे रंग माए लथ गई जहां दी संग माए, जोरदार ताड़ियाँ सतिंदर सरताज जी जिन्हां ने एक हनेरी दे दौर दे विच पाएदारी लेखनी नाल शब्दां दे नाल ये दस दिता कि पंजाबी जुबान जिहड़ी है बड़े अदबो अदाब की लैंग्वेज है और जदों भी किधरे चंगी गल की जाती है तो लोगों ने हमेशा कबूल की है। सिर्फ रौलिया गौलिया च रुक जाने वाला पंजाबी म्यूजिक नहीं है, उन्हों हर तरह के सुनने वाले लोग ने। कहिंदे लाइश्क ने ऐसे रंग माए लथ गई जहां दी संग माए, ए मस्ती चाड़े कहरां दी क्या बात सिदक दियां लहरां दी, मैनू सौ बुल्ले दे आ पैरां दी फिर आप छणक दी वंग माए, नी मैनू इश्क ने लाए रंग माए, एक खुश बैठी संग लाड़े नी एक कड दी माही दे हाड़े नी, इस इश्क दे सारे पवाड़े नी जिहड़ा करदा डाढ़ा तंग माए, नी मैनू इश्क ने लाए रंग माए। क्योंकि मुहब्बत ते सुर दा बड़ा गूढ़ा रिश्ता है, जिन्नी देर तक तुसी उदास ना होवे ते शायरी नहीं उपजती, जिन्नी देर तक तुसी खुश ना होवो ते शायरी नहीं उपजती। बिल्कुल सही गल है, किसी ने बहुत खूब कहा कि उठ शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस, उठ शाह हुसैना वेख लै असी बदली बैठे भेस, साडी जिंद निमाणी शूकदी असी रुल गए विच परदेस। परदेसां दे विच बैठे सारे वो दर्शक जिहड़े 49 मुल्कां दे विच DD पंजाबी नूं देखदे पए ने, उन्होंने टैलीफोन जो आते हैं राबता प्रोग्राम के, उन्होंने फोन आते हैं जो लाइव फोन सर्विस चल रही होंगी साढ़े प्रोग्राम के, तो अपनी दिल दी गल्लां करते हैं। आज DD पंजाबी उन्हां सारयां दे सुनेहे वो तो दूर बैठे पूरी दुनिया च पहुँचाते हैं। सो एक बार फिर तो मैं नरेंद्र सिंह जी जिहड़े DD जी साढ़े इंजीनियर ने, उन्हां दा बहुत धन्यवाद कि तुहाडे डिपार्टमेंट ने पूरी दुनिया के पहुँचाया साढ़े इन्हां प्रोग्रामां नूं। DD जी डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी जिन्हां ने इस मंच तो लगातार पता नहीं किन्ने लाइव टैलीकास्ट करवाए, पुनीत सहगल जी जिहड़े कि सुर सरताज के प्रोड्यूसर ने, उन्होंने बहुत उमदा काम किया, हज़ारां दे विच्चों इस पार्टिसिपेंट तुहाडे तक लैके आए। लखविंदर जौल जी जिहड़े कि इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक लैके आ रहे हैं इस टाइम, ये तमाम हजरात और खास तौर पर साडे जजिस, साडी कैमरा टीम, साडी साउंड टीम, साडे फ्लोर मैनेजर्स, इन्हां सारयां ने इस प्रोग्राम नूं पूरा सिरे चाढ़िया। तो मैं हुण गुजारिश करांगा डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी नूं और नरेंद्र सिंह जी DD जी इंजीनियर होणा नूं कि सतिंदर सरताज होणा नूं मंच दे उत्ते लैके आउण, और अज इस मंच तो उन्हां दी परफॉर्मेंस साडे दर्शक वेट करदे पए ने, ते खड़े हो गए जोरदार तालियां दे नाल। जोरदार ताड़ियां दे नाल जनाब सतिंदर सरताज, DD जी जलंधर, ओम गौरीदत्त शर्मा जी, उन्होंने नाल DD जी इंजीनियरिंग। क्योंकि बहुत जरूरी होंगे, मैं पहला दसिया सी कुछ लोग ने जोड़े भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो कुछ लोग ने जो भीड़ मगर ला लेंगे,
बशीर बदर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बशर को मार ही डाले, बशर को मार ही डाले, ये दुनिया ऐसी जालिम है, हम जिए जाते हैं कि हमें जीने का हुनर आता है। सो जो लोग हुनर जानते ने वो पूरी जिंदगी दी रवानगी नू भी जानते ने और उन्हां दे रुख जड़े वो अपने वाल मोड़ना भी जानते ने। सो जोरदार ताड़ियां दे नाल थोड़े सब दे रूबरू सतिंदर सरताज। मैं जदों इत्थे आउण दी गल होई सी, सत श्री अकाल जलंधर जी, मैं अच्छा मैं जरूर तुहानूं गाने तुहाडे सारे सुना दिंदा पर छोटी जी मैनूं गल कर लैण दो कि मैं जदों इत्थे आया तो मैं तो सिर्फ एक हाजरी भरन आया सी इस मक्के दी। उन्होंने कहा कि तुहाडे हत्थों ये शुभ काम करवाना, इस गल की सानू खुशी भी है, पर हुण जिन्ना चिर जजमेंट तैयार होंदी है मैं सिर्फ तुहाडा उन्ना चिर टाइम पास करना बेसिकली। और मैं शुक्रिया सती जी का और चेतन जी, मैं कहना हुंदा कि यूनिवर्सिटियां सारियां दुनिया दी इक्को जिहियां होंदियां। जदों असीं बाहर जाइए, असीं ऑक्सफोर्ड भी जाने आ ते बोस्टन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी असीं शूट कीता, ये GNDU वाले आ, असीं PU वाले आ, पर जिहड़ी यूनिवर्सिटी दी धरती हुंदी आ उह सारियां दी इक्को जिही हुंदी, सारियां दी उहदे नाल शिद्दत लगन इक्को जिही जुड़ी हुंदी आ। और इन्हां सजिंदियां नूं सदके और दरअसल जिहड़े अज दे सरताज ने उहनां दे नाम दी जोरदार ताड़ी मारो, सारे इन्ने पुरखलूस सुरीले ने, मेरे वर्गे बंदे हुण तुहानूं बहुत फिक्के लगणे आ पर मैं तुहाडा एंटरटेनमेंट करन लई जरूर गाउणा। बहुता बोलने दी नहीं लोड़ कोई, असी नेड़े ही गल मुकावनी है जेकर मोनीटर च थोड़ा जा वोकल थोड़ा जा आप कर दो कितने भी है साउंड इंजीनियर ना सा। बहुता बोलने दी नहीं लोड़ कोई, असी नेड़े ही गल मुकावनी है, वर्ष शामिया गल ओ करिए जड़ी कम अखीर नू आवणी। आवे महके उना दे लीड़िया चो जड़े मजलसी होने अतार दे जी, सोबत नेक दी नेक बना देंदी औगणहार बेली औगणहार दे जी। हुण असल च तुसी गाउणा, मैं ते सिर्फ शुरू करना। सा कोई अली आखे कोई वली आखे, कोई कहे दाता सच्चे मालकानू, मैनू समझ ना आवे की नाम देवा। इस गोल चक्की दया चाल कानू रूदा असल मालक ओही मनिए जी, जीदा नाम लिए ता सरूर होवे, अखां खुलियां नूं महबूब दिसे, अखां बंद होवण ता हुजूर होवे। कोई सोण वेले कोई नौण वेले ते कोई गौण वेले
तैनू याद करदा एक नजर तू मेहर दी मार साई सरताज दूरदर्शन च खड़ा फरियाद करदा साईं वे साड़ी फरियाद तेरे ताई साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई साईं वे साड़ी फरियाद तेरे ताई के बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई के हाजरा हजूर वे तू आई फेरा मसकीना वल पाई बोल खाक सारा दे पुगाई मैनू मेरे अंदरों मुकाई वे डिगिए ता फड़ के उठाई औखे सौखे राहां चो लंघाई सुरां नूं बिठा दे थाओ थाई साज रुस गए ता मनाई इन्हां नाल वाज वी रलाई कन्नी किसे गीत दी फड़ाई वे नगमे नूं फड़ के जगाई ते ताल विच तुरना सिखाई वे साड़ी फरियाद तेरे ताई के हाजरा हजूर वे तू आई नेरे आंच पल्ले ना छुड़ाई जिंदगी दे बोझ नू चुकाई सिकरा नू हवा च उड़ाई सारे लगे दाग भी तू आई मैनू मेरे अंदरों मुकाई पाक साफ रूहां नू मिलाई अगे होके राहां रोशनाई मेहनतां दे मुल भी पुआई माड़ियां दी मंडी ना विकाई देखी ना परोसे आजमाई अनहद नाद भी वजाई आत्मा दा दीवा भी जगाई के हाजरा हजूर वे तू आई वे साड़ी फरियाद तेरे ताई दरां ते खड़िया गैर पाई मेरियां च पल्ले ना छुड़ाई मैं हर वेले करा साई साई वे तोते वांगू बोल भी रटाई असी सज बैठे चाई चाई थोड़ी बहुती अदा भी सिखाई सूफियां दे वांगरा नचाई शायरी च असर वसाई मेरे नाल नाल तू भी गाई देखी ना परोसे आजमाई सुर सरताज दे सजाई हाँ जी अच्छा मैं हाँ जी सती जी मैंने ये दास दे जदों ताड़ी नहीं नहीं जी तुसी नहीं साड़ी जजमेंट तैयार हो रही है और अब करके सारी रात में सारी जजमेंट तैयार हो गए थैंक यू जेतवा जी थैंक यू हाँ जी ऐसे ही देना को यार इतने सरीले बंदे बैठे हैं सारे अच्छा चलो मैं मैनू गौरी साहब का हुक्म सिगा कि तुसीं एक साडा नवा गीत आया सी मैं एक छोटी जी बेनती होर करना चाहुंदा कि साडी इस तों बाद ये पहली स्टेज है जिथे मैं पहली बार अनाउंस कर रहा कि साडी नैक्सट एल्बम आ रही है जिहदा टाइटल स्टेज तों असीं अनाउंस कर रहे उहदा टाइटल है रंगरेज द पोइट ऑफ कलर्स तुसीं जिस तरह असीस दिती है शुक्रिया मैं एक चीज इत्थे मैं पूछना चाहना सरताज नु ए लफ्ज़ कित्थों चुन के लेके आंदे मैं कहना हुंदा कि कित्थों आंदे लफ्ज़ रवानी बहर तरन्नुम तर्ज सुरा क्या बात है सती जी कित्थों आंदे लफ्ज़ रवानी बहर तरन्नुम तर्ज सुरा
ਇਹ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਬੜਾ ਜਦ ਖੋਲੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਰੀਝਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਪਿਆਰ ਉਮੰਗਾਂ ਹੜ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਰੰਗ ਰੇਜ਼ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ ਵਫਾ ਦੇ ਚੰਨ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ ਜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਹ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ ਇਹਦਾ ਕਿਨਕਾ ਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਰੂਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵਰਕੇ ਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਦਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਦਵਾਈ ਆ ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਦਵਾਈ ਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਇਸ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਤ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਵੋ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ੋ ਆਫਤਾਬ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਤਾਜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਹਰਾ ਸਵਾਲੀ ਵਰਗਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਸਜਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੀ ਯਾਦ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਨ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਰੀ ਹੋਏ ਤਵਾਰੀਖ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੜਕੇ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹੋ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਈ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ ਗਾਉਂਗੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਚ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਦਿਲਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਅਨੋਖੇ ਉਸ ਦਿਲ ਪਰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਪਈ ਮੈਦਾਨੀ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਦਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਦਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਦਨ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸੀ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਫੱਕਰ ਜਰਮੈਲ ਅਨੋਖਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਤਾ ਏ ਝੂਠੇ ਸਰਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਸੀ ਤੇਗਾਂ ਦਾ
फकर जरनैल अनोखा रखदा सी बाजा नूं उसे ने सुचे करता है झूठे सरताजा नूं शायर कलमा नूं समझण पौड़ा साहब विच 52 कवि उन्हां दे दरबार च बैठदे सी जिन्हां दी इज्जत अफजाई करदे सी जिन्हां नूं शेर सुणाउंदे सी ते सुणदे सी इस करके शायर कलमा नूं समझण हुणे अपनी तलवार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया ओ कहिंदा सरदार जी सुनिया इस कौम च काफी होए दिलदार जी दसो कुछ किसे सानू हिम्मत कुर्बानी दे जिन्ना दे इश्क अनोखे उस दिल पर जानी दे ढिली ना पई मैदानी ओए जिस दी रफ्तार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया जिगरायो कितों मिलिया छोटे साहबजादियां दी शहादत नूं मुकम्मल दुनिया जानदी कहिंदी छोटी उम्र दे विच इको एक मजहब होया जिहदे विच शहादत होई इस चीज़ दी जिगरायो कितों मिलिया सी छोटे फरजंदा नूं जयकारे लाउंदे आखण जी उसरन दिओ कंधां नूं क्यों नहीं सी निक्कियां उमरां दहशत विच दहल दियां नीहां मजबूत कर गए ओ मजहब दे महल दियां जिकरायो कित्थों मिलिया सी छोटे फरजंदा नूं जयकारे लाउंदे आखण जी उसरन दिओ कंधां नूं क्यों नहीं सी निक्कियां उमरां दहशत विच दहल दियां नीहां मजबूत कर गए ओ मजहब दे महल दियां तकनी सरहिंद विच जाके मैं ओयो दीवार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया कहिंदा सरदार जी सुनिया इस कौम च काफी होए दिलदार जी दसो कुछ किसे सानू हिम्मत कुर्बानी दे जिन्ना दे इश्क अनोखे उस दिल पर जानी दे ढिली ना पई मैदानी ओ जिस दी रफ्तार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया ओ कहिंदा सरदार जी सुनिया इस कौम च काफी होए दिलदार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया कहिंदा सरदार जी दसो कुछ किस्से सानू हिम्मत कुर्बानी दे जिन्ना दे इश्क अनोखे उस दिल पर जानी दे ढिली ना पई मैदानी ओ जिस दी रफ्तार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया कहिंदा सरदार जी सुनिया इस कौम च काफी होए दिलदार जी एक दिन मैनू बंदा मिलिया तिखी तलवार ने सानू जन्म दिता ते गुड़ती मिली है खंडे दी तार विचों साधक सिदक सिर दस्तार सूही ते साडा वखरा रूप संसार विचों बंद बंद कटवाए पर सी ना कीती ते लखां होणियां भी साथों हारियां ने सानू एवें नहीं लोक सरदार कहिंदे सिर दे के लईयां सरदारियां ने क्योंकि बहुत वधिया किसी ने कहा कि नार आजादी ने जद भी किते लहू मंगिया दिता सिंघां ने कदों इह जवाब दसो नार आजादी ने जद भी किते लहू मंगिया दिता सिंघां ने कदों इह जवाब दसो मोर्चा हिंद ने किते भी लाया किते बौड़िया नहीं पंजाब दसो गिनती 100 चो 2 साडी गिनती 100 चो 2 साडी ना वार वार करके हिसाब दसो कि पाया जे मुल साडियां कुर्बानियां दा जरा गिण के लाशां जनाब दसो ये उस जगह नूं असी संबंध रखदे आं जिहड़ी पंजाबीयत नूं बहुत अगे लै के जांदी आ जामा चला ही दई है जी इहना नहीं मैनूं पता ठीक है ठीक है ठीक है सारे बैल नु तैयार नहीं जाम में थे यही गौण गए होंगे ओ बूट लैनी हुंदे मैं बुलेट कित्थों लै लवां साडा तां कोई अंकल भी है नी जिनू कह लवां जलंधर च केड़ा साडा मामा ये बात ओ बूट लैनी हुंदे मैं बुलेट कित्थों लै लवां
साडा तां कोई अंकल भी हरी जी नूं कहलवा हो नाले पंप वाला केड़ा साडा मामा पंप वाला केड़ा साडा मामा नी होर दस की भरदी किक ते अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की हाफ किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की ओ पाली जीन परा पालू जीन दो में रख दांगे पजामा जीन परा रख दू पजामा नी हो दस की भर दी किक ते अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की हाफ किक ते स्टार्ट मेरा यामा अज अमृतसर कट्ठा होया अंबर सरिया अंबर सरिया मुंडे आवे कच्चियां कलियां ना तोड़े अंबर सरिया मुंडे आवे कच्चियां कलियां ना तोड़ बोल तेरे रड़कण मखना वे जीकण सड़कां दे रोड़े अंबर सरिया मुंडे आवे कच्चियां कलियां ना तोड़े अंबर सरिया अच्छा हुण अद्धी लाइन गाउणी तुसीं कहिंदे थोड़ा मुंडा सारा दिन मारे गेड़ियां झूठा इल्जाम कहिंदे कुड़ियां दी छेड़ियां मैं ना एना ओना कहिंदे थोड़ा मुंडा सारा दिन मारे गेड़ियां झूठा इल्जाम कहिंदे कुड़ियां भी छेड़ियां ओ साडे घर दित्ता डीडी ने ओलामा घर दित्ता डीसी ने ओलामा नी होर दस की भालदी किक ते अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की हाफ किक ते इत्थे एक फोक राउंड सीगा पंजाब दा फोक कहना खूब है सतिंदर जी मेरे नालों ज्यादा जानते हैं कहंदे सुननी कुड़िए नचण वाली है नचदी लगे प्यारी नी भैन तेरी नाल व्याह करवा के भैन तेरी नाल व्याह करवा के तेनू बना लू साली नी मां तेरी नू सस बना के मां तेरी नू सस बना के प्यो नू बना लू सौरा नी तेरे पिंड विच दी छट के फिरू मैं टोरा नी तेरे पिंड विच दी छट के फिरू मैं टोरा नी तेरे पिंड विच दी नाके वाले आना पौनी पै गया लिहाज भी थोड़े वाले कम सारे करदा सी सरताज भी नाके वाले आना पौनी पै गया लिहाज भी केहो जहे कम हुण करे सरताज भी ओ सारा तेरे पिछे कीता ही डरामा तेरे पिछे कीता ही डरामा नी हुण खुर की भालदी किक ते अद्धी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी की भालदी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की हाफ किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की ओ पाली जीन परा रख दूं पजामा जीन परा साड़ दूं पजामा नी होर दस की भाल दी किक ते स्टार्ट मेरा यामा नी होर दस की
ਖਾਬ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਟ ਮੇਰਾ ਯਾਮਾ ਨੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿੱਕ ਤੇ ਸਟਾਟ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1999 ਚ ਯਾਮਾ ਨੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ शुक्रिया शुक्रिया तुसी सानू जरिया सबर कीता और मैं खास तौर ते नहीं नहीं जरिया वाली गल नहीं सरताज एक गीत ओ सी मैं जदों पहली बारी मिलिया बड़े साल पहला दी गल आ जी और मैनू पुराने दिन याद आ गए यार तो मैनू रोटी खवाई सी उदों होस्टल दी मैस च दो नंबर होस्टल च 143 जिथे असी दोस्ती मुहब्बतां ना पाली कट्ठे होके दीवे बाल कोनी च जगाइए आजा मेरे चेतना दिवावली मनाइए और मैंने चंडीगढ़ दे विच पहली बारी जब मैं नाइट स्टे किया सी ते मैं सरताज दे कमरे च किया सीगा मैनू दिन याद आ गए सरताज एक ढोल ते बहुत सोहना गीत सुनाउंदा सी जदों ने मैनू सुनाया ते मैनू इदां लगा कि इन्हें मैनू कहा कि यह मेरी अपनी कंपोजिशन आ मेरी अपनी कंपोजिशन आ और ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਕਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਲਬਾ ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀਨ ਸੀਗੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਪਰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੋੜੀ ਗੁਜਰੀ ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਰ ਗਾ ਜ਼ੋਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨੀਂਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰਿਆਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇ ਵੈਰੀਆ ਡੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਤਾਜ ਰੀਜਾਂ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ 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 ਹੋ ਮੇਰਿਆ ਚੰਨਣਾ ਚੰਨਣਾ ਵੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀਕਣ ਮੰਨਣਾ ਵੇ ਕਾਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਅਥਰੂ ਪੈਗਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਜਾ ਪਈ ਮਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਠੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ ਰੰਗਵਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਵੇਂ
ओ चंदना जे तू आवे ओ चंदना वे गल सुन छल्या छल्या वे केड़ा वतना मल्या ओए छल्ला बेड़ी दा पूरे वतन माये दा दूरे जाना पहले ही पूरे चीरे वालिया चीरे वालिया असी पुछते पुछते वे असी पुछते रहने सचे रब तो तू भी तक तो बोल वे चलना ओ चीरे वालिया चीरे वालिया चीरे वालिया यादा दा दीवा बालिया ए जिंद चली डोल वे चलना ओ चीरे वालिया ओ मेरिया चंदना चंदना वे दस तू टिकन मंदना वे का तो नाइया ने देरा वे बैथरू मेरा पसंदीदा शेर आ शाला रब सच्चा भागा वाला दिन देवे ते शगना दी रात लेके आए मैं उड़ीका सरताज साडे वेड़े कदों सज के बारात लेके आए कलगी वे तक्का कलगी लगा के कोड़ी चढ़िया हाबा चो बजे ढोल वे चलना चीरे वालिया चीरे वालिया हाड़ा कमाऊ बालिया इशक सामा तोल वे चलना चीरे वालिया हाय वे मेरे आ चलना चलना वे दस तू पीकन मनना वे का तो नाइया ने दे रहा मैं थ्रू पई गेरा तेनू वजा पई मारा मेरिया मिनता हजारा पानी रावी दा वगदा है तेरा देता भी थकदा तेरा तीरा रंगवावा बनके शीशा बह जावा तेरे सामे ओ चनना जे तू गावे ओ चनना वे गल सुन चलिया चलिया वे केड़ा वतना मल्या वे छल्ला बेड़ी दा पूरे वतन माये दा दूरे जाना पहले ही पूरे चीरे वालिया चीरे वालिया ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਰਗੜਦਾ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਹੋ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮਾ ਜਾਂ ਸੱਤ ਕਨੇਡਾ ਕੋਲ ਵੇ ਚੰਨਾ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ रंग हो जाता है सतिंदर सरताज पर अज का सरताज कौन बनेगा उस दे मैं गुजारिश करांगी साडे जजेस नूं कि ओह मंच ते आ जान जी गुरु गुरदीप जी उन्हां दे नाल कुलदीप कुलजीत जी और डॉक्टर ममता जोशी और वक्त हो गया जी जदों रिजल्ट जिहड़ा डिकलेयर किया जाएगा और उन्होंने नाल मेरे ख्याल है कि चेतन जी मैं चाहवांगी जिन्हें भी साडे मैं गुजारिश करांगा डी डी जी पी और डी डी जी ई ओम डॉक्टर ओम गौर शर्मा जी नूं और नरेंद्र सिंह जी नूं नाल दी नाल मैं गुजारिश करांगा मैडम मोनिका शर्मा जी नूं कि वह मिस्टर गुरदीप सिंह सेहरा जी नूं लैके आउण मंच ते जिहड़े कि प्रेजिडेंट ने जी एन ए आई एम टी मेहता फगवाड़ा एंड सी ई ऑफ जी एन ए ड्यूरा पार्ट्स लिमिटेड महतियाना हुशियारपुर जोरदार तालियां साडे गैसट साहब का और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर पुनीत सहगल जी मंच के उत्ते पहुँच जाण
क्योंकि ये वक्त हो चलिया है हुण उस घड़ी का उस लम्हे का जो फैसला सुनाया जाएगा। एक बार फिर तो मैं अपने सारे स्पॉन्सर जी एन ए आई एम टी जिहड़े साडे मेन स्पॉन्सर ने 21,000 रुपया दे रहे हैं अज के विनर्स नू। और साडे जिहड़े सह प्रयोजक ने अवतार कलसी एग्रो तलवंडी भाई तो वह भी पहुँचे हुए हैं साडे दरम्यान। सो मैं गुजारिश करांगी सारे साडे कंटेस्टेंट्स और प्रोड्यूसर पुनीत जी वो भी आ जाने जी मंच ते जी। और साडे जिहड़े स्पॉन्सर्स ने रॉयल ट्रैवल जलंधर तो साडे को स्पॉन्सर्स ने कैन विंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, साडे को स्पॉन्सर ने क्यूमैक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पेशल थैंक्स टू थिंड आई हॉस्पिटल जलंधर। जोर साम के रखो। साडे स्पेशल थैंक्स टू थिंड आई हॉस्पिटल जलंधर, स्पेशल थैंक्स टू कैपिटन हॉस्पिटल जलंधर, आस्था हॉस्पिटल जलंधर, ऑर्थोनोवा हॉस्पिटल जलंधर। इन सारे स्पॉन्सर्स का असी बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि सुर सरताज सीजन 2 इहदे ग्रैंड फिनाले कामयाब बनाने वास्ते एज अ स्पॉन्सर इन्होंने साडा साथ दिता। मैं एक बारी मैडम मोनिका शर्मा जी को गुजारिश करांगा कि एक बारी जरूर दो लफ्ज़ कहना अपने स्पॉन्सर्स लिए। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स। टुडे वी आर हैविंग GNA IMT महत्याना फगवाड़ा मिस्टर गुरदीप सिंह विद अस, जो कि प्रेजिडेंट ने GNA IMT फगवाड़ा ते GNA ड्यूरा पार्ट्स लिमिटेड महत्याना हुशियारपुर। एंड इन्होंने जड़े विनर्स ने पहला एक मेल और एक फीमेल उन्होंने दोनों ले 21,000 कैश प्राइज जड़ा है वो अनाउंस किया है। और असी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो अज साडे दरम्यान ने अपने इस वक्त नू कढ़ के साडे कोल आए ने। सो जदों जजेस अनाउंस करनगे हु आर द विनर्स तो उस तो बाद असी गुरदीप जी कोलों ये अवार्ड दवावांगे। और जी जी ते क्यूमैक्स फैशन प्राइवेट लिमिटेड सूरत ते मुंबई ये भी सारे ही जिहड़े साडे पार्टिसिपेंट्स ने उन्हां नू गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। कैनविंग्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड दे बहुत असी थैंकफुल हाँ। इन्हां दे जिहड़े मैनेजिंग डायरेक्टर ने डॉक्टर बलराज गुप्ता जो कि खुद डॉक्टर भी ने प्रोफेशन तो और वो भी साडे दरम्यान ने। और इन्होंने ट्रॉफीज़ ते फस्ट जिहड़े दोनों विनर्स होंगे उन्हां नू प्राइजेज उन्हां वल्लों दिते जाणगे। सो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ते असी हुण जजेस नू रिक्वेस्ट करांगे कि रिजल्ट्स जिहड़े आ ओह दस्सण। सो जी अज ते इस प्रोग्राम दे विच सब तो पहला गर्ल्स लेडीज़ फर्स्ट कुड़ियाँ तो शुरू करते हैं जी। जिहड़ी कुड़ी बनी है जी अज की इस शाम दे विच सुर सरताज ओ कौन है जी दसनगे? इस तो पहला कि मैं सुर सरताज कौन ने मैं गुजारिश करांगा डॉक्टर बलराज गुप्ता जी नूं कि वो मंच ते आउण। जोरदार तालियां डॉक्टर साहब दे लई। हाँ जी सतेंद्र जी। हाँ जी रिजल्ट किधे कोले? रिजल्ट और रिजल्ट किधे कोले देखो भाई। मैं ताई के मेरे को तो रिजल्ट नहीं है ते रिजल्ट किधे कोले वो देखो। इदा करते हैं फिर असि जजेस तो पूछते हैं भी जजेस तुसी की कहना चाहोगे रिजल्ट ही नहीं लभदा पिया सानू देखो। हाँ जी गुरदीप जी की कहना चाहोगे तुसी? दूरदर्शन दे इस मुकद्दस वेड़े विच विराजमान सारे ही साडे भैण भरा मानयोग डॉक्टर ओम गौरीधर शर्मा जी, पुनीत सहगल जी, सारे अज दे मेहमान जजे साहबान मैम जी, बड़ा ही खूबसूरत अते सुभागा दिन है। मैनू सुल्तान बहादुर साहब दे वो शब्द याद आ गए ने उन्हां दी वो गल थोड़ा पलक्कड़ है मैं वेख के पढ़ांगा। रिजल्ट बारे गल चल रही है उन्हें क्या उन्हें फरमाया अपने उस बाणी दे विच कि पंजे महल पंजां विच चानण, पंजे महल पंजां विच चानण दीवा कितवल तरिए हू, पंजे महर पंजे पटवारी हासिल कितवल भरिए हू, पंज इमाम ते पंजे किबले, पंज इमाम ते पंजे किबले सजदा कितवल करिए हू, जे साहेब सिर मंगे बाहू हरगिज ढिल ना करिए हू। साडे बच्चे ने छे हजारां दी तादाद विचों ये बच्चे
इस मंच ते आए ने, मैं समझदा कि इन्हां दे विच कोई कमी नहीं। गल असी रिजल्ट जिहड़ा एक जस्ट एक जिहनूं कहिंदे ने कि छोटियां जिहड़ियां, फिर भी मैं महसूस करदा कि बच्चो तुसी सारे सुर सरताज हो। मेरे ख्याल बहुत बार ये कमेंट्स है क्यों सरताज, ये गल तुसी भी कही है, मान जो साडे शर्मा जी ने भी कही है और सारे ने आखी है। छोटी छोटियां गलतियां कितने कितने पॉइंट ते जीरो जबर तलफज रिदम का कितने सुर का इधर उधर होना, लयकारी जिहड़ी मीनाकारी गीत संगीत विच हुंदी है, उहदे करके बच्चे अद्धे अद्धे नंबर तो अगे पिछे ने। सारे बच्चे ये बहुत खूबसूरत गा के गए ने। मैं ज़्यादा ना कहिंदा होया, मैं माइक कुलजीत नूं दसांगा कि वह की कहना चाहुंदे ने। ये अज तक लका के रख रहे ने भी कौन बनिया सुर सरताज, दस्या नहीं रिजल्ट किहदे कोल है, मतलब एंड तक गलतियां जरूर कढ़नियां ने। हुण तक भी दस दे रहा भी गलती ये बड़ा जरूरी है जी, ताकि कल नूं होर बेहतर बन सकन। उन्हां लई इन्हां नूं पता होना चाहिए कि खामियां कित्थे रहियां। साडे अज दे गैसट सरताज जी, गौरी जी, सारे पतवंते सज्जण, और कि मैं थोड़ा देसी बोलदा। देखो मुकाबला जिहड़ा आ बड़ा टफ सीगा, और उहदे विच कुछ कुछ नंबरां दा फर्क आ, अद्धे अद्धे नंबर का भी हो सकता, क्योंकि देखो एक ने जाना ही हुंदा, और परफॉर्मेंस ते डिपेंड करता भी उन्होंने परफॉर्मेंस कितना दी, माहौल कितना दा मिलता। क्योंकि देखने जा रहा जो साढ़े पार्टिसिपेंट गाँवे सके, उन्होंने ही इलाके के बंदे मोहरे आके डांस करते, मैं लगता उन्होंने कुछ पजल भी हुए है, उन्होंने वल ध्यान करके उन्हों की परफॉर्मेंस कमज़ोर भी हुई है, जिहड़ा कि थोड़ी जी कह सकते हैं कि उन्होंने कमियां रही। बाकी मेरे ख्याल ना साडे हिसाब ना सारे ही जिहड़े पार्टिसिपेंट वधिया आ उह सुर सरताज है, पर सानू इत्थे एक लड़का एक लड़की चुनने पैणे आ, क्योंकि उन्हां दा साडा कोई कानूनी तौर पर कह सकते हैं कि उन्हां नू चुनना ही पैणा। मेरे वालों तो सारे ही अच्छे है, इन्हां नू अगर असीं स्टूडियो विच लिजा के गवावांगे तो सारे एक दूजे तो वध के गाउण वाले बंदे आ, लड़के लड़कियां सारे अच्छे है, इन्हां दी वॉइसिस बड़ियां अच्छियां है, आने वाले बहुत वधिया सिंगर है। इन्हों जे कोई घर वापसी करता है ज अज नहीं चुने जाता तो उन्होंने कोई इतराज नहीं करना चाहिए, उन्होंने स्टेज पर गाना ही बहुत वड्डा मौका आ, लोग तरसते आ, अज दे स्टार सी सारे, अज दे स्टार सी, इस करके जे एक एक अद्धे अद्धे नंबर पर भी कोई रह गया हो माफ़ी चाहवांगे, माइंड नहीं करूगा कोई, खुश हो के जाएंगे सारे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत जी। तो नाल ही मैं गुजारिश करांगा गोयल म्यूजिक कंपनी तो मिस्टर गोयल आए हुए ने इत्थे, प्लीज़ वो मंच से आ जाए। गोयल साहब कितने जे आओ जी, प्लीज आओ। डीडीओ साहब भी पहुंचे ने, जोरदार तालियां डीडीओ साहब वास्ते भी, तो गोयल साहब तुसी प्लीज मंच ते आओ, और क्यूमैक्स प्राइवेट लिमिटेड के रिप्रजेंटेटिव भी साढ़े दरम्यान पहुंचे ने, प्लीज़ वो भी मंच से आ जाए। जोरदार तालियां ये स्पॉन्सर्स ने जिन्हों के सदका अज के इस प्रोग्राम के जेडे गिफ्ट हैम्पर्स आए ने और प्राइजिज आए ने, जिन्होंने हौसला अफजाई की है साढ़े पार्टिसिपेंट्स के लिए। आओ सर प्लीज़। हाँ जी सतेंद्र जी, मेरा ख्याल है कि रिजल्ट का अजे भी नहीं पता लगा, हूँ मैं माइक का कितना करिए डॉक्टर ममता को पूछिए। ममता जी तुसी दसो। मैं तो एको गल कहांगी कि किसी ने खूब लिखा कि जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, वो जितन दा मुल कौडी जिन्ना ते हारन दा मुल हीरा। ते ये मैनू लगता है काम अज के चीफ गैसट तो ही करवाना चाहिए, तो मैं माइक अपने वड्डे वीर सतिंदर जी नूं दवांगी ते उही दसंगे। ठीक है जी, मुश्किल सब तो मुश्किल काम इन्होंने मेरे जिम्मे पाता। पर जिमें सारिया शख्सियतों ने कहा, मेरे तो भी एक बार इतफाकन लिख होया कि जोहारा कबूले ना खेडन दे मगरों लड़ाकू होऊ वह खिडारी नहीं होना। जोहारा कबूले ना खेडन दे मगरों लड़ाकू होऊ वह खिडारी नहीं होना, जो दाते लगा के दो चित्ती च पै जे वपारी होएगा जवारी नहीं होना। क्या बात है। सो फतेह वर्गी जे ताज पोशी नहीं है, ये सुर सरताज सजना अज के, फतेह वर्गी जे ताज पोशी नहीं है, ते हारन दे वाला भी दोषी नहीं है। वाह। मगर
मगर शर्त है कि नमोशी नहीं है कोई बोझ इस कोलों भारी नहीं होना जो हारा कबूले न खेडन दे मगरों लड़ाकू होऊ ओ खिडारी नहीं होना जो दाते लगा के दो चित्ती च पैजे व्यापारी होएगा जो हारी नहीं होना। सो मैं ए पता नहीं हूँ मैं तुसा तुहाडा की रिस्पोंस होएगा एक कीता सारा इन्हां ने आ जी जिम्मा मेरा लग रहा मेरे ख्याल दे विच मेरे तो सारे सुरीले मेरे तो सारे ने चंगा गाया पर गुरदीप सर ने जिदा दस्या कि सिर्फ अद्धे अद्धे पॉइंट का फर्क सीगा। सो सुर सरताज टू जिहड़ा जजमेंट ग्रैंड फिनाले है अज इस दूरदर्शन की जमीन दे उत्ते शर्मा जी दी दे सामने सन्मुख सारी टीम दे असीं अनाउंस कर रहे हैं कि गर्ल्स दे विचों जिहड़ा सुर दा सरताज दा ताज सजा वह है कुदरत कौर कुदरत सिंह है जी असल च। सो बहुत बहुत मुबारक कुदरत नू उन्हां दे परिवार नू दोस्तां मित्रां नू जिन्हां ने हिमायत कीती और जिन्हां ने नकद नाम है और गिफ्ट वोट कीता सराया। और जिहड़ा बॉयज दा विच सुर सरताज टू जजमेंट ग्रैंड फिनाले जलंधर शहर के दूरदर्शन जिहड़ा मक्का मदीना इस नॉर्थ इंडिया के फनकारा का बॉयज का सुर सरताज का ताज सजदा जी अजय कुमार बहुत बहुत मुबारक अजय इन्हां दे परिवार नूं दोस्तां नूं मित्रां नूं सखियां संबंधियां नूं हिमायत करन वालियां नूं और मुंडिया दे विचों अजय और परमात्मा इस सफर नूं बहुत लंबे रा करे। थैंक यू। ए फर्स्ट प्राइज विनर्स दोनों मेल और फीमेल इन्हां नूं 21,000 रुपया GNA IMT फगवाड़ा वालों दिता जाता है और GNA IMT फगवाड़ा दे मिस्टर गुरदीप सिंह सीरा साढ़े दरम्यान ने हु इज़ द प्रेजिडेंट GNA IMT महत्याना फगवाड़ा एंड CAO GNA ड्यूरा पार्ट्स लिमिटेड महत्याना फगवाड़ा। हाँ जी आइए आइए दे दो बेटा दो। सो कैश प्राइज है जी दोनों ली 21,000 दा QMAX Fashion Private Limited Surat or Mumbai gift hampers denge all participants Mr. Rajesh Garg inna de representative sade darmiyan ne beech mein aa jayega haan ji DJ leke aaiye wo pakdao congress ka ji पकड़ाओ बेटे ऐसे ले आओ ले आओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ बाकियों को बाद में और लाओ ले आओ फटाफट लाओ जल्दी लाओ फर्स्ट को दो हाँ हाँ देने बाद च देने ट्रॉफीज अरे उठा लाओ सारे ऊपर ऊपर उठा लाओ ले आओ ले आओ ले आओ जल्दी लाओ वो बड़े प्राइजेस भी उठाओ। सो गिफ्ट हैम्पर्स टू ऑल द विनर्स और ट्रॉफीज ने जी सारे विनर्स दे ली। सो मैं चाहूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स आगे चल जाओ प्लीज और गिफ्ट हैम्पर्स सारे दे ली ने हाँ जी मैं कर रही हूँ। सो ये है जी अज की इस शाम के बिच और इस दे नाल ही
कैनविंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने वालों भी गिफ्ट हैम्पर्स ने एंड आई रिक्वेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कैनविंग कंसल्टेंट डॉक्टर बलराज गुप्ता जी कि वो गिफ्ट हैम्पर्स और ट्रॉफी सारे पार्टिसिपेंट्स नू देंगे प्लीज डॉक्टर बलराज गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर कैनविंग कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सो एसी जी अज की इस शाम का साडा ग्रैंड फिनाले आई फिर हवा जाफरान की खुली फिर खिड़की मेरे मकान की ए हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख जमीन पर आ जाएगी छत आसमान की सो इस वादे दे नाल कि हौसले ही इंसान नु जित्ता दवाया करदे ने अगले साल फिर होर नवे फनकारा दे नाल जो अपने सुपनियां दी जमीन लभन दे लई दूरदर्शन दे इस वेड़े च आणगे तद तक लई अलविदा मिलदे आ जी सर सरताज सीजन 3 दे विच थैंक यू वेरी मच इस दे नाल ही मैं गुजारिश करांगा इस दे नाल ही मैं गुजारिश करांगा वोट ऑफ थैंक्स वास्ते डिप्टी हो गया जी ठीक है जी थैंक यू